हरियाणा के पानीपत जिले के बापोली ब्लॉक के गांव नवादा पार में ही सोमवार की रात गैर जमानती वारंट लेकर आरोपी को पकड़ने गई यूपी और हरियाणा पुलिस की टीम को बदमाशों ने पीट दिया है। इसके बाद वे अपने साथी को छुड़ाकर फरार हो गए। हमले में पुलिस कर्मियों को चोटें भी आई हैं और हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर थाना सनोली पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापा मार रही है। उत्तर प्रदेश के जिले बागपत में मौजूद थाना रामला के SI रिचपाल और सिपाही राज्यपाल ने बताया है कि कोर्ट के आदेश पर सुनोली खुर्द पुलिस के साथ गैर जमानती वारंट लेकर गांव के नवादा पर ही निवासी आरोपी हारून पुत्र हुक्मा को गिरफ्तार करने आए थे और जैसे ही वे गांव नवादा पार में हारून के घर पहुंचे तो उसे वारंट दिखाकर गाड़ी में बैठाने लगे। तभी उसने आवाज लगाना शुरू कर दिया और वह चिल्लाने लगा कि यूपी पुलिस उसे पकड़ कर ले जा रही है। उसकी आवाज सुनकर बुन्नी अरसद कादिल और कई लोग वहां पर पहुंच गए और पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया। हारून के ही SI रिचपाल को पकड़ दिया गया है और अरसद और कादिल ने डंडों से पीटा है। आपको बता दें कि दूसरे बदमाशों ने थप्पड़ और मुक्के पुलिस कर्मियों को मारे हैं और उनकी वर्दी तक फाड़ दी गई है। और जब दूसरे पुलिस कर्मी उन्हें छुड़वाने लगे तो करीब 15 लोग ललकारते हुए पुलिस पार्टी की तरफ दौड़े। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस कर्मियों की चीख पुकार सुनकर गाँव के अन्य लोगों को आता देख हमलावर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने 8 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी के छापेमारी शुरू कर दी है और सुनोली खुर्द थाना जो है उनका कहना है कि यूपी पुलिस वारंट पर आरोपी को पकड़ने के लिए आई थी। उनकी सहायता के सनोली थाने के पुलिसकर्मी भी मौजूद थे और पुलिस के साथ ही मारपीट की गई है और बदमाशों को छुड़ाया गया। ललितपुर में शहरी क्षेत्र में युवाओं के मुकाबले बुजुर्ग सेहत के प्रति अधिक गंभीर नजर आ रहे हैं। यहां पर कोरोना से बचाव में कारगर वैक्सीनेशन में 45 साल से ज्यादा के उम्र के जो कई प्रतिशत लोग हैं उनको टीका लगवाया गया है तो वहीं अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ही 90.15% युवाओं ने पहली डोज ली है। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कई तैयारियों के साथ ही टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया जा रहा है और अब अधिकांश लोग वैक्सीन को लेकर जागरूक हो गए हैं और इससे टीकाकरण में रुचि भी दिखा रहे हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहर में ही वैक्सीन लगवाने के लिए लोग अधिक आगे आ रहे हैं और शहर में मौजूद युवाओं की अपेक्षा बुजुर्ग सेहत के प्रति अधिक फिक्रमंद नजर आए हैं और प्रतिदिन लगभग 10,000 लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर GP शुक्ला ने बताया है कि जनपद मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और ऐसे में अधिक लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा है और बहुत से लोगों ने मध्य प्रदेश के भी जिलों में वैक्सीन लगवा ली है और इसके साथ ही अधिकांश लोग मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में जाते हैं। ऐसे लोगों के जो सुविधा अनुसार ही वैक्सीन लगवाई गई है। जो लोग अभी वैक्सीन लगवाने के लिए रह गए हैं उन्हें टीका लगाने का भी कार्य किया जा रहा है।